अब बात यूपी की, तो यूपी में कांग्रेस ने कमबैक का प्लान तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव में जीत के ब्लूप्रिंट की ओर इशारा करते हुए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा है कि यूपी में प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा हो सकती हैं। इधर विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी ने यूपी में इस वक्त डेरा डाला हुआ है। सामने आया कांग्रेस का यूपी प्लान, प्रियंका के चेहरे पर कांग्रेस का दांव। प्रियंका होंगी कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक, क्या प्रियंका होंगी सीएम का चेहरा? हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के प्रियंका गांधी को लेकर दिए इस बयान के बाद यूपी की सियासत में सरगर्मी तेज हो गई है। हर कोई जानना चाहता है कि क्या मिशन 2022 के लिए कांग्रेस ने प्रियंका पर सबसे बड़ा दांव खेलने का मन बना लिया है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस बार आर पार के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कांग्रेस ने बड़ा सियासी पासा फेंकने का मन बना लिया है। प्रियंका गांधी यूपी चुनाव में कांग्रेस का चेहरा हो सकती है, इस बात का इशारा खुद कांग्रेस के दिग्गज नेता सलमान खुर्शीद ने किया है। हम लीडरशिप मानते हैं, नेतृत्व मानते हैं, और नेतृत्व का चेहरा लेकर हम आपके सामने हैं। वो प्रियंका जी, हमने आपको बताया कि आज जो हम जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं तो उन्हीं के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं। वो हमारे लिए चेहरा है और वो हमारे लिए काफी है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी ने यूपी में डेरा डाल रखा है। पहले वो लखनऊ गयी, वहाँ से रायबरेली और फिर अमेठी पहुँच गयी। प्रियंका के यूपी दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश आसमान पर है। इधर प्रियंका भी यूपी में बीजेपी को टक्कर देने के लिए हर दांव आजमा रही हैं। रायबरेली में उन्होंने हनुमान मंदिर में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। चुनावों से पहले यूपी में कांग्रेस के दिग्गज नेता लोगों से जमीनी स्तर पर जुड़ने की कोशिश में है। प्रियंका गांधी भी आम लोगों से मिल रही है, उनकी परेशानियों को सुनने समझने की कोशिश कर रही है। इधर कांग्रेस को उम्मीद है कि पार्टी प्रियंका के नेतृत्व में यूपी में बड़ा करिश्मा कर सकती है, और अगर यूपी में कांग्रेस खेल करने में कामयाब रही तो यूपी के सहारे पार्टी के लिए दिल्ली का रास्ता खुल सकता है। लेकिन हकीकत ये है कि पार्टी यूपी में हाशिए पर है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस की आम लोगों से दूरी पार्टी के लिए बड़ी परेशानी है। ऐसे में कार्यकर्ताओं का मानना है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने खास अंदाज से वोटरों को कांग्रेस के पाले में लाने की ताकत रखती हैं। उन्होंने गाइडलाइंस ये दी कि ग्राउंड लेवल पे हमें रहना है, ग्राउंड लेवल पे जुड़ के रहना है। सोशल मीडिया से जुड़े जो लोग थे उनके साथ उन्होंने रेगुलर बात की है, उन्होंने पदाधिकारी जो है उनके साथ बहुत सार्थक मीटिंग रही है आज की। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी की है। अब यूपी में उन्हें पार्टी का चेहरा बनाने का इशारा देकर कांग्रेस ने चुनावों को लेकर अपनी रणनीति साफ कर दी है। दरअसल यूपी के चुनाव में प्रियंका गांधी को पार्टी के चेहरे के तौर पर उतारकर कांग्रेस वोटरों को बीजेपी का मजबूत विकल्प देना चाहती है। कांग्रेस की इस रणनीति के तहत प्रियंका विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में बेहद सक्रिय है, आम लोगों से मिलकर उनकी परेशानियां जान रही है, हर मुद्दे पर बीजेपी पर सियासी बयानों के तीर चला रही है। कांग्रेस की कोशिश प्रियंका के दम पर बीजेपी को घेरने की है। प्रियंका गांधी को यूपी में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश कर कांग्रेस निराश कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश कर सकती है। प्रियंका गांधी भी यूपी में कांग्रेस की बैठकों में लगातार शामिल हो रही हैं, चुनाव समिति के सदस्यों से मुलाकात कर रही हैं, हर गांव कांग्रेस अभियान पर नजर रख रही हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से ऑनलाइन बात कर रही हैं। साफ है कि यूपी में कमबैक के लिए कांग्रेस का ब्लूप्रिंट तैयार है, लेकिन सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी यूपी में कांग्रेस का सीएम चेहरा भी हो सकती हैं? सुनिए कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का क्या कहना है। हमारा एक चेहरा है, हमारा चेहरा प्रियंका जी का चेहरा है, लेकिन ना प्रियंका जी ने स्वयं अधिकृत रूप से कोई घोषणा की है, ना ही हमको अधिकार है कि हम कोई घोषणा करें कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। दरअसल यूपी में कांग्रेस संगठन को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और पार्टी को पता है कि यूपी में विरोधी दलों के दिग्गज नेताओं के सामने उसे प्रियंका गांधी जैसे एक मजबूत चेहरे की जरूरत है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बदलाव के साथ कांग्रेस मैदान में उतर रही है, हालांकि इस कवायद का चुनाव नतीजों पर क्या असर होगा
ये भविष्य के गर्त में है। टीम न्यूज नेशन। तो यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए छोटी से बड़ी हर पार्टी अपनी ओर से पूरी तैयारी कर रही है और इस तैयारी में कांग्रेस भी कहीं पीछे नजर नहीं आ रही। खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने तैयारी की कमान संभाली है ताकि यूपी में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस में फिर से जान फूंकी जा सके। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश में जुटी है। बार बार के यूपी दौरे के पीछे उनकी सिर्फ एक ही कोशिश है कि किसी भी तरह यूपी से लगभग साफ हो चुकी कांग्रेस को एक बार फिर पुरानी मजबूती दिलाई जा सके। पार्टी में जान फूंकने के लिए इंदिरा परिवार की विरासत संभाले प्रियंका गांधी वाड्रा खुद मैदान में उतर आई है। संगठन के कार्यकर्ताओं से मिल रही है, उनकी बात सुन रही है, उनसे सुझाव ले रही है। इतना ही नहीं, सूबे में होने वाली आपदा के बाद पीड़ितों के घर जाकर उनसे मिल रही है, उनके बीच बैठकर उन्हें सांत्वना दे रही है और दावा कर रही है कि पीड़ितों का घर ही उनका मंदिर है, उनके लिए काम करना ही उनका मजहब है। इनका घर मेरा मंदिर है, ठीक है, इनका घर मेरा मंदिर है, ये देश मेरा मंदिर है और यही मेरा मजहब है, यही मेरा धर्म है। दरअसल प्रियंका गांधी वाड्रा किसी भी तरह यूपी में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। पूरी तरह से बिखर चुके पार्टी संगठन को एकजुट करने की कोशिश कर रही हैं ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार भी मजबूत चुनौती पेश कर सके। सूबे में फिलहाल पार्टी संगठन को दोबारा खड़ा करना सबसे बड़ी चुनौती है। चुनाव आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, संगठन तो हमारा बना है। आजादी के बाद से ही यूपी कांग्रेस का सबसे मजबूत गढ़ रहा है। सूबे में कांग्रेस 21 बार अपनी सरकार बना चुकी है। नारायण दत्त तिवारी यूपी में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री थे। 5 दिसंबर 1989 से यूपी में गैर कांग्रेसी सरकारें बनती रही हैं। पिछले 31 साल से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। सत्ता छीनने के बाद से ही कांग्रेस यूपी में लगातार सिकुड़ती चली गई। 2012 में यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 28 सीट जीत सकी, उसे कुल 11.60% वोट मिले थे। इसी तरह 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 7 सीट पर सिमट कर रह गई। इस चुनाव में पार्टी को 6.3% वोट मिले। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी सूबे में सिर्फ एक सीट जीत सकी। खुद पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं पार्टी को कुल 6.4% वोट मिल सके। साफ है कि यूपी में कांग्रेस धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। अब ना तो पार्टी के पास कोई बड़ा चेहरा है और ना ही पार्टी संगठन में मजबूती बची है। ऐसे में प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अब पार्टी में जान फूंकने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए प्रियंका भी अपनी ओर से हर संभव कोशिश कर रही हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों के बीच जाने के साथ ही सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलते हुए मंदिरों में भी मत्था टेक रही हैं। हालांकि इस बाबत पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि आप हिंदुत्व के वापस आ गई हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी में कांग्रेस की कमान संभाल चुकी हैं और पिछली बार ही कांग्रेस की स्थिति सबसे दयनीय रही है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार जीत नहीं सका। खुद राहुल गांधी को परंपरागत सीट अमेठी पर हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का बेड़ा पार कर सकेंगी या लोकसभा चुनाव की तरह ही एक बार फिर फ्लॉप साबित होंगी। टीम न्यूज़ नेशन।